हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। अमित शाह के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी अब शुरू कर दी है। इसी को लेकर आज नारनौल में पार्टी ने एक कार्यक्रम आयोजित कर 16 जुलाई को अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और इसकी तैयारी पर चर्चा की गई। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि महेंद्रगढ़ में 16 जुलाई को ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 13 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे ताकि 16 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम की तैयारी का जायजा ले सके। नारनौल में भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ जिला की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, कार्यकर्ता भाई और बहन उसमें तैयारी में जुट गए। 16 तारीख को भारत के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर को एक तोहफा प्रदान किया, वो महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। ओबीसी का हमारा बड़ा सम्मेलन का कार्यक्रम 13 तारीख को, 16 तारीख की कामयाबी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ौली और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। रामविलास शर्मा ने दावा किया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जीत हासिल की गई है और इसी तर्ज पर आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 16 जुलाई को अमित शाह के कार्यक्रम को बीजेपी कितना सफल बना पाती है। नारनौल से जोगेंद्र कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।